हेलो एवरीवन, हम आज जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ से 35 किलोमीटर है। एक जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कमेंट में। 21 जगह है। ठीक है, बाय। टॉपिक में तो लिखना ही है। काफी दिन हो गए हम कहीं गए नहीं थे, इसीलिए आज प्लानिंग बनाया है कि हम कहीं चलें घूमने के लिए। ठीक है, और आगे वीडियो देखते रहिए। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, पिकनिक के लिए। और ये देखो सैनिटाइजर के हाथ में, क्योंकि कोरोना का ज्यादा है, थोड़ा सेफ्टी से रहना पड़ेगा। और मास्क भी रखा हूँ, मास्क भी लगा रखा हूँ। ठीक है, बाय। मेरे साथ में है गुलगुल और निष्ठा साहू। अब निकलते हैं यहाँ से, बाय। अब हम शहर से निकल चुके हैं, आगे जा रहे हैं। गरम गरम देखो, गरम गरम बड़ा बड़ा रहा है। एको कौन जगह है नाम का जगह का? लामड़ा गुड़ा, ये है लामड़ा गुड़ा। हम रुके हुए हैं, आपको नाश्ता करेंगे। लामड़ा गुड़ा में आओगे तो यहीं से लेना पड़ा। ये है लामड़ा गुड़ा, यहाँ नाश्ता करेंगे। देखिए बड़ा बन रहा है, बड़ा लिया गुलगुल ने। एक गुलगुल है, देखो गुलगुल को देखो, ये बड़ा खा रहा है। ठंडी को देखो, बड़ा बना रही है। देखिए ये निकाल रही है, भाभी जी बिया निकाल रही है, बच्चों से बिया है, पर बचाना नहीं। ये है, इसी को बोलते हैं बस्तर का बियर। ताल पेड़ से ताड़ी कर रस निकालता है। मैं तो पीने कर पिया नहीं, ठंडा एकदम। अभी क्या है? क्या अभी क्या है? हाँ। पिएगी क्या? ये जाता है चित्रकूट की ओर, और ये जाता है मेहंदी गुमर की ओर। अब हम मेहंदी गुमर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ का पानी सूख चुका है। जब आए थे ना तो गिर रहा था ठंडी में। क्या बोली? जब गिराई गया होगा पानी ठंडी में। लो पानी जमता है ठंड में, तो वो भी वॉटरफॉल का। जिसका भी पानी है, पानी तो है ना। चुके हैं मेहंदी घुमर। अभी तो मेहंदी गुमर पानी की पानी नहीं है, इसमें सूखा है। आज के डेट में झरना आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आइए आगे आपको दिखाते हैं कितना खाई है। आइए गुलगुल, गुलगुल को बुलाइए। ये देखो छोटी गुरु बाबा, मिट्टी छोटी गुरु। ये छोटी गुरु दिखा बोल, क्या बोल रही है? क्या पापा बोल रहे हैं कि वो खाई है नीचे में, दो पहाड़ों के बीच में, तो वाली हाँ।
देख के पापा से ना देख कूदे क्या बोली जम गिराई गया होगा पानी ठंडी में लो पानी जमता है ठंड में वो भी वॉटरफॉल का जिसका भी पानी तो है ना पहले यहाँ आए थे बरसात समय तो पानी हुआ करता थे अब इसमें पानी नहीं है हम यहाँ थोड़ा आपको पानी नहीं दिखा पाएंगे लेकिन यहाँ का जो झरना है वो तो नहीं हो पाएगा लेकिन इसके अंदर जो प्रकृति की गहराई को देख सकते हैं आप देखिए कितना खाई है यहाँ पे यहाँ पिकनिक स्पॉट है और बहुत लोग पिकनिक मनाने भी आए हैं कितना अच्छा हवा चल रहा है और ठहर है मेहंदी गुमर की झरना लेकिन अभी पानी नहीं है पानी खत्म हो चुका है देखिए खाई को देखिए कितनी कितना खाई है इसमें बरसात समय इसमें पानी रहता है अभी हमको पानी की समस्या है पानी नहीं है इसमें और देखिए कितना खाई लग रहा है कितना जंगल है अंदर में और देखिए कितना दूर दूर तक है इसको देखिए ये लोग को ये गुलगुल पहले आए थे इसमें पानी हुआ करता था आज पानी नहीं है बरसात समय पानी रहता है लेकिन खाई मस्त है खाई मस्त है वाह देखिए देखिए बहुत खाई आज यहाँ पे खाली खाली है लगता है सब चित्रकूट की ओर चले गए हैं आज यहाँ बहुत कम ही लोग आए हैं और आए हैं वो लोग पिकनिक भी मना रहे हैं और हम लोग भी कुछ खाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं एक ये है गुलगुल गुलगुल आपको गीत सुनाएगी चलो भाई गुलगुल गाना सुनाओ आइए आपका नहीं था देखो निष्ठी खाने के इंतजार में सबसे पहले पहुंची है देखो इनको 100 दिन के भूखे हैं इनको देखो गुलगुल को 100 साल के भूखे हैं 100 साल के भूखे हैं इनको देखो देखिए यहाँ बहुत खाई है दिख रहे हैं ना ये मेहंदी गुमर का वाटरफॉल है यहाँ बैठने की भी व्यवस्था है अब बैठ के नाश्ता भी कर सकते हैं ये बुलबुल इधर देखो पानी हो गया नाश्ता कर लिए इनको देखो लालची बंदर आ गया तो बताइए आप आपको कैसा लगा ये जगह बहुत अच्छा जगह है एकदम शांत जगह है आप यहाँ पे बर्थडे पिकनिक और हाँ बस बस अभी भी रेटिंग कितना दोगे आप इसे 100 में 100 दूंगा मैं 10 में 10 में कितना देंगे गुलगुल आप बताओ 10 में 20 दे देंगे चलिए ठीक है आप बोलती ही हो गुलगुल बोल रही है तो 20 दे देंगे ये हमारा गुलगुल प्रिय है चलिए ठीक है चलो अब हम आगे चलते हैं काटा बहुत ही तेज होता है पौधा यहाँ पे और यही मिलता है किटक से पौधा ए निशी मच्छू बोलते हैं इसको दवाई के उपयोग आते हैं काटा लगा खाए लगा आजा अभी पापा ये वाले पेड़ में चढ़ के बताएंगे पापा वो वाले पेड़ में चढ़ के बताएंगे इसमें चढ़ के दिखा देंगे तो 100 रुपया इनाम दूंगी मैं अब मुझे इस पेड़ में चढ़ने के लिए बोला गया है पापा इस पेड़ में चढ़ने वाले हैं हो ही नहीं सकता अगर चढ़ जाएंगे तो 100 रुपया इनाम देंगे इसको जय श्री राम जय
श्री राम। जितने का चढ़े ही नहीं उतने का कचर कर रहा है। चढ़ा 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 चढ़ा। अरे दादा मैं चढ़ गया देख के। चढ़ गया। अरे चढ़ गए। अब गुलगुल मम्मी को पैसा देना पड़ेगा। अब तू तो कैसे उतरू यार। पापा पैर था नीचे। अब उतरने की कोशिश में पापा नीचे था। यहाँ पर रखो यहाँ पर। ये मास्टर ही निष्ठी। बस देखे देखे देखे। अब दूसरा पैर टीचर इसे अच्छी टीचर ने देखा नहीं। देखो 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 टीचर को दिया बॉस। देखो टीचर खुद नहीं कर सकती। पत्थर को देखिए कितना पुराना पत्थर है यहाँ पे और कितना खाई है। देख रहे हैं बहुत खाई है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत लोग सेल्फी लेते रहते गिर भी जाते हैं। ये पत्थर कभी भी नीचे गिर सकता है। इसमें होल हो चुका है। पापा ने कभी बहुत बड़ी खोज की है। बड़ी खबर बड़ी खबर। थोड़ा वीडियो लेते हैं फोटो खींचते हैं थोड़ा देख के कीजिएगा क्योंकि एक एक पत्थर खिसक रहा है। देखिए देखिए वीडियो देखिए इसको। देखिए जो पत्थर है खिसक जाता है और इसी में दुर्घटना हो जाता है। देखिए और कितना खाइए देखिए इसमें। फिर इसी अच्छा सेल्फी लेते समय थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है और वीडियो बनाते समय फोटो खींचते समय। बड़ी खबर देख कर फोटो खिंचाइए। डेंजर जगह है। हम आपके लिए इसी तरह से तो एक बड़ी खबर लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। देख अब लंच का व्यवस्था हो रहा है। केक काटेंगे भात बना केक। तीन केक है यहाँ पर देखो। चावल केक। अपना थाली पकड़ ली है खाने के लिए। टाइम भी हो गया लंच का। अब लंच कर रहे हैं। थोड़ा कम कर देती हूं। ये देखो ये तो मेरा प्लेट है। मेरा चिकन है। चिकन ये खाऊंगा मैं। चिकन विनर विनर चिकन डिनर। वैसे डिनर नहीं लंच। देखो इन लोग अभी से न्यू ईयर पार्टी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? न्यू ईयर। बहुत खाना खा दिया उठ नहीं पा रहा हूँ और यहाँ से हम लोग का वीडियो वही ख़त्म होता है। अब मुझे चलने के लिए बहुत दिक्कत हो जा रहा है और हम यही ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा नारायण पाल का। आप नारायण पाल का वीडियो जरूर देखें। लाइक जरूर करना मेरे इस वीडियो को समझे प्लीज और सब्सक्राइब भी करना। ये मेरे पप्पू का चैनल समझे। चलो चलो बाय। सब्सक्राइब जरूर करना बोल दे।